मैं जब ओमान में आया तो उस टाइम मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 22 ईयर्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली के यहाँ पे भी मुकीम हैं, मस्कट में भी हैं, सोहार में भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ मेहनत भी की है, और सलाले से हम जब मस्कट जाते थे तो 3 दिन का रास्ता होता था एक साइड में जाने के लिए। यहाँ ओमान के कानून का हम बहुत एहतराम करते हैं। ओमान के कानून के मुताबिक हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एहतराम करते हैं ओमान का कानून का जो है माशाल्लाह। और हम मैं अपने जो फैमिली के आदमी हैं यहाँ पे उनको भी जो है ना यही कहते हैं कि यहाँ के ओमान के कानून का एहतराम करो। नाज़रीन, मैं हूँ ओमान के शहर सलाला से नज़ीर भट्टू, और आज जिस शख्सियत को आपसे मिलवाने जा रहे हैं वो अरसा 40 साल से ओमान में मुकीम है, और आज हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और उनके तजर्बे के बारे में बात करेंगे, वो कैसे ओमान में आए और कैसे कामयाब हुए। आइए नाज़रीन, हम मिलते हैं हाजी मोहम्मद यामीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? पाकिस्तान के किस शहर से आप बिलोंग करते हैं? हम ये जिला नौबिली तहसील कोटा, हमारा शहर है। तो आप कौन से सन में ओमान में आए? मैं एक्चुअली मेरे वाले साहब जो हैं वो तो सबसे पहले अपना में आए, वो 1972 में आए। तो आप जब ओमान में आए तो आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? मैं जब ओमान में आया तो उस टाइम मेरी उम्र जो है वो तकरीबन 22 ईयर्स थी, यानी 22 साल मेरी उम्र थी जब मैं सलाला में आया। आजकल तो जदीद दौर है, जैसे सोशल मीडिया से हर बंदा दूसरे से टच है, तो आजकल तो यानी कि वीज़े का जल्दी प्रोसेस हो जाता है। उस वक्त आपने वीज़ा भी हासिल किया और यहाँ पर आकर आपने काम भी किया, सेटल हुए, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सबसे पहले तो मेरे वाले साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो 1972 ने भी जिते माने नहीं चाहे सलाला भी जो है। तो उसके बाद मैं 1979 में गए थे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने रोजगार में सिलसिले में। साहब के 7 साल बाद साहब लेकर आए जी? हम मेरे वाले साहब हमको लेकर आए, और हमारी फैमिली के और भी बहुत ज़्यादा आदमी मेरे वाले साहब ने यहाँ पे उनके वीज़े वगैरह भेजे, वो इधर आए, सेटल किए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली के यहाँ पे भी मुकीम हैं, मस्कट में भी हैं, सोहार में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। किसी जिस टाइम पे आया 1979 में जिस टाइम आया उसने मेरे बाबा पूरे उन्होंने मेरा वीज़ा भेजा इधर आया अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी मेहनत की थी, मेरे बाबा भी थे बहुत मेहनत की थी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, असं भी बहुत मेहनत की थी। अच्छा, मैं एज ए ड्राइवर जो है ना असं मस्कत जो जाने से आते हैं उस टाइम पर रोड कच्चे रोड से लाया, उस टाइम पक्की रोड नहीं सी, कच्चे रोड से लाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की थी, कच्चे रोडों पर गए हाँ, बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नतीजा बहुत अच्छा निकलिया। और असने अरबाब जरा सोचे गए सारे अरबाब से अल्लाह पाक उन्होंने मुख्य से फरमाए, तो उन्होंने बहुत अच्छा कम किया, उन्होंने असि अपने बहुत ही अच्छा अपनी औलाद की तरह रखिया। अच्छा असं उन्होंने उन्होंने दुआ कर रहे हैं अल्लाह दुनिया तो पर्दा फरमा गए, लेकिन उन्होंने असं दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक ने हमसे फरमाए। ये आप जिस वक्त बताया, जैसा कि आपने बताया कि उस वक्त सड़कें भी नहीं थी, कच्चे थे, और आप आए भी ड्राइविंग पे, यानी कि इसका मतलब ये कि आपने बड़ी स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी जी। और आज मैं देख रहा हूँ कि आपके यानी कि फैमिली में से काफ़ी मेम्बर यहाँ पर हैं, तो यानी कि मेहनत आपने की और आज वो आपकी मेहनत पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा ही है, और जब हम सलालत से मस्कट जाते थे तकरीबन 3 दिन लग जाते थे एक साइड में पहुँचने के लिए, मस्कट पहुँचने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ मेहनत भी की है, और सलाले से हम जब मस्कट जाते थे तो 3 दिन का रास्ता होता था एक साइड में जाने के लिए। तो उसके बाद दुबई भी जाते थे, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के काफ़ी आदमी जो हैं यहाँ पे हमने सेटल किए और अपना रोजगार भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 35-40 आदमी हैं हमारी फैमिली के, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे अपना काम वगैरह कर रहे हैं। और हम बिलखसूस यहाँ ओमान के कानून का हम बहुत एहतराम करते हैं, ओमान के कानून के मुताबिक हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एहतराम करते हैं
उमान आक्रमण कानून का जो है माशाल्लाह, और मैं अपने जो फैमिली के आदमी हैं यहाँ पे उनको भी जो है ना यही कहते हैं कि यहाँ के उमान के कानून का एहतराम करो और यहाँ पे अपनी मेहनत करो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, आपको अल्लाह पाक रिस्क देगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जैसे ही कि मैंने देखा काफ़ी मेंबर आपकी फैमिली के बेटे हैं, भतीजे हैं, भाई हैं, तो लोगों में इतना इत्तेफाक नहीं देखा जैसे कि आपकी फैमिली में इत्तेफाक है, तो इसके लिए आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले बात यह है कि इत्तेफाक में बहुत बड़ी बरकत होती है। हम लोग अपने जो भाई हैं यहाँ पे हम बहुत ही इत्तेफाक से रह रहे हैं। हम कारोबार जो भी है अपना यहाँ पे हम इकट्ठा कारोबार कर रहे हैं, काम इकट्ठे कर रहे हैं, और यानी हज़ार बात यह है कि बात इत्तेफाक में बहुत बड़ी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इस वक्त पाकिस्तान में और सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे काम के लिए, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, उस वक्त उन लोगों के जहन में कुछ और होता है, आप उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो तजर्बा है, वसी तजर्बा है, 40 साल पे मौजूद है, उसकी रोशनी में आप कुछ बताना चाहेंगे उनको? तो इतना लोगों को बताना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग यहाँ पे आए, अल्हम्दुलिल्लाह ओमान बहुत अच्छा मुल्क है, यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, जिस तरह उनके अपने वतनों के लिए कानून है वहाँ ऐसे ही जो है हम खारजियों के लिए भी कानून है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो लोग आएँ यहाँ मेहनत करें, जैसे मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ, जब पाकिस्तान से थे बिल्कुल ज़ीरो थे, तो यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा हमें। हम भाई लोग यहाँ पे हैं, मेरे बेटे यहाँ पे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सेटल हैं, तो मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक जो है ना उसको बहुत अजर देगा और अपना उसको रिस्क भी देगा। ओमान बहुत अच्छा मुल्क है, आप आएँ अपनी मेहनत करें और उसकी मेहनत के सिले में अल्लाह पाक आपको बहुत जो है रिस्क देगा। जी अली आमीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन अभी हम इनके बेटे से मिलवाएंगे, मोहम्मद आमिर से, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर शादा साहब। वालेकुम सलाम नज़ीर भाई, कैसे हैं आमिर शादा? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन ये हाजी यामीन साहब के बेटे हैं, शायद आपको देखने में हाजी यामीन साहब ही लग रहे हैं, लेकिन उनकी कापी हैं, ये सेम कापी हैं, ये वल्ला उनके बेटे हैं। तो आमिर साहब आप कौन से सन में और अपने बारे में बताइए, यहाँ पर कैसे आमद हुई और कैसे सेटल हुए आप? मैं 2015 में इधर में आया, तो अभी रिसेंटली अभी मेरे को छठा साल जा रहे हैं। ठीक है, राइट। तो बस बाबा जान ने इधर बिजनेस अपना संभाला हुआ था पहले, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो मेरा भी इसी ट्रांसपोर्ट के हवाले से ही वीज़ा लिया गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी वीज़े पे ही हूँ, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पे ही। तो बाबा जान ने जो बिज़नेस अपना शुरू किया हुआ था, संभाला हुआ था, हमारी भी यही कोशिश है कि इस बिज़नेस को और आगे बढ़ाएँ। सही है, इस बिज़नेस के अलावा जो ओमान में है, ओमान में इस चीज़ में हमें अच्छी इनकम है, जो हमारा रिसेंटली जो ओमान जो परदेश में आने का मकसद होता है आदमी का, कि एक तो अच्छा रोज़गार मिले आदमी को। तो हमारी कोशिश है कि हकल हाल की कमाई, बाबा जाना जैसे हमें सिखाया है जब यहाँ पे आए हैं कि हकल हाल की कमाई आपने रखनी है, तो हमारी यही दुआ है कि जो आदमी इधर आए वो हकल हाल ही। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों का इत्तेफाक मैंने देखा है कि आप माशाल्लाह जवान हैं, जैसा पाकिस्तान का कल्चर है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तो उसके पर निकल आते हैं, तो बाप के वो काबू नहीं आते, लेकिन आपके बाप का तो माशाल्लाह आप पे बहुत कंट्रोल है, इसके बारे में कुछ कहेंगे कि बहुत ताबेदार है माशाल्लाह, तो किस तरह तरबियत का असर है, माहौल का असर है या? अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत का ही असर है, माहौल तो आदमी जब यार दोस्त में जाता है तो माहौल वो होता है, लेकिन तरबियत तो हमें घर से मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी तरबियत वालदा से पहले हमारी दादी जान है, जिनके वजह से आज हमें यहाँ तक ये मकाम हमें मिल रहा है। ठीक है, जो वालद साहब को मकाम मिला है, एक तो अल्लाह का ख़ास नज़र करम है, और दूसरा हमारे जो दादी जान है अभी हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो दादा जान तो रुख्सत हो गए थे 2001 में, तो अभी दादी जान हयात हैं, तो उन्हीं की वजह से अभी सारा कुछ निज़ाम चल रहा है, उन्हीं की दुआएं हैं हमारे पीछे।
तो ये वालदैन अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है कि अगर अपनी ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर ली जाए तो मेरा ख्याल वो जितनी खिदमत कर लीजिए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत दुआएं मैंने ली हैं उनसे, वालदा से भी दुआएं ली हैं, लेकिन मैंने दादी जान से ज़्यादा दुआएं ली हैं। और जब भी इन दिनों में जब भी फ़ोन करता हूँ वो यही कहती हैं कि तू आ जा बस, यानी उनका जी ये तो उनका अपना इनके प्यार मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और सुना कि ये लोग आए और इन्होंने अपना सेटअप बनाया, मेहनत की 40 साल की मेहनत, और आज ये पूरी फैमिली सेटल होके बहुत अच्छा यानी कि अपना इज्जत से बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान में जो बेरोज़गार हैं, वो जो पाकिस्तान से बाहर आना चाहते हैं, वो जो सोचते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा ये फल पका पकाया नहीं मिलता, इस पर मेहनत करनी पड़ती है, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। आप बैठ जाएँ, कोई भी काम मिले उसको आप करें, उसको अना का मसला ना बनाएं, उसको आप करें, कोई भी काम मिलता है आप करें। जो आपने वालदैन का पैसा लगवाया, वालदैन का खर्चा करवाया, वालदैन की आपसे तवक्कात हैं, तो जब आप जाते हैं तो वो उनकी तवक्कात पे पूरा उतरें। आप तो अभी हम हाजी यमीन साहब के भाई से बाबर मसूद साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे जनाब? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। आप कौन से साल में यहाँ पर आए? मैं 2004 में आया, 2004 में। हाजी मोहम्मद जावीन साहब ने आपको बुलवाया यहाँ पर? ये मेरे बड़े भाई हैं हाजी मोहम्मद जावीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप का दर्जा भी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत यहाँ पर मेहनत की है, अपने भाइयों को सबको उन्होंने बुलाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनका पूरा अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। तो मैं पाकिस्तान में पहले फार्मिंग का काम करता था, तो बाद में भाई साहब ने बोला कि आप यहाँ आ जाएँ, फिर उन्होंने वीज़ा भेजा, मैं यहाँ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो वो मुश्किल देखी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ भाई के सेटअप, आपको सेटअप बना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी आके यहाँ पे मेहनत की है, और ज़्यादा मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका जैसा कि तजर्बा पोल्ट्री फार्म का था, तो आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में आए, तो इसका इसके बारे में क्या आपको कुछ मुश्किल नहीं आई सेटल होने में? अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब यहाँ पे थे तो कोई मुश्किल नहीं है, नहीं आई है, कोई पेश नहीं आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही पाकिस्तान में भी मैं ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी छोटी मोटी है तो गाड़ियाँ घर में रहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ आए, तो यहाँ पर यही ट्रांसपोर्ट के शोबे से कुछ ठीक हो गए, भाई का सब कुछ सेटअप बना हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम उसी हिसाब से। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने बाबर मसूद साहब से बात की, इन्होंने बताया कि इनको एक सेटअप मिला बड़ों का बना बनाया, तो जितनी यानी कि बड़ों की बरकतें होती हैं, जो हमें यानी कि एक विरसे में चीज़ जैसे मिल जाती है, वो हमें विरासत में मिल जाती है, उस पर हम सेटल हो जाते हैं, लेकिन हम उस पर यानी कि अपना फ़ख्र कर सकते हैं अगर हम कहें कि ये सेटअप मैंने बनाया। इसलिए हाजी यामीन साहब ने यहाँ पर आकर सेटअप बनाया अपना, और अपने पूरे बच्चे फैमिली भाई सब यहाँ पे सेटल किए। तो हम मोहम्मद इमरान शदाद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है जी। आप अहमद शहजाद भाई के छोटे भाई हैं जी? सगे भाई हैं जी? सगे भाई। तो आपका पहले यूके का भी एक्सपीरियंस है काफ़ी, और यहाँ पे ओमान में भी? जी मैं यूके में 2010 में गया था जी। फिर पाकिस्तान में रहे कुछ टाइम, पता है जिस तरह पाकिस्तान का पॉल इधर उधर गए वो सारा कुछ, तो फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मैं आया हूँ 2020 में, ओमान में जनवरी में आया था, तो उसके बाद आपको बताया विजिट किस गया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर आके कोविड की वजह से फंस गया। तो आप माशाल्लाह जिस तरह एजुकेटेड हैं वहाँ पे यानी कि अच्छा काम यूके में भी किया, इन्वायरमेंट भी उधर बहुत अच्छा है, और मार्केटिंग का आपने उस हिसाब से उसी लेवल पे काम किया, तो यहाँ पे आप आके ट्रांसपोर्ट में सेटल हुए?
नहीं एक्चुअली आपको पता है जो भी सवाल का मैं ये कहता हूँ कि जो आपका फैमिली बिजनेस होता है कोई भी है सवाल को उसको सपोर्ट करनी चाहिए ठीक है। एजुकेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो एक आपको अच्छे बुरे की तमीज़ और जो है ना आपको नए जदीद दौर में लेके जा रही है। तो हमारा माशाल्लाह से एक सेटअप है, वालिद साहब की स्ट्रगल है, जैसे आपने पहले उसको इंटरव्यू किया है 40 ईयर्स की उनकी स्ट्रगल है। अब मैं अगर किसी के पास जाके काम करूं इधर आपको बताया जो भी है तो वो मेरे लिए मेरे ख्याल में वो अच्छा ऑप्शन नहीं है, इससे बेहतर है कि मैं वालिद साहब की जो मेहनत है उसको आगे लेके जाऊँ। बिल्कुल सर, उसी फील्ड में मैं मेरा खुद का। तो आप यूके के एनवायरनमेंट से यहाँ पे बाद में आए तो सेटल होने में कुछ आपको मुश्किल नहीं दरपेश आई? देखिए मैं यूके में आपको बताया कि 2012 में वापस आ गया था पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसमें यह था कि काफ़ी टाइम मेरा पाकिस्तान में गुजर गया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना हो गया था, इसको क्या कहते हैं, चेंजिंग आ गई थी। फिर यहाँ पे आए हूँ, फिर वही पाकिस्तान वाला थोड़ा सीन तो है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है वो बहुत एडवांस है ये है, लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत क्वाइट कंट्री है, लॉ इनके अच्छे हैं, मतलब कि वो उस तरह का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इनके ये मेंबर्स की फैमिली मेंबर्स की एक चैन है जो यहाँ पे आकर सेटल हुई, जिन्होंने स्ट्रगल की और कामयाब हुए, तो ये सब इनकी मेहनत की वजह से है। जो इन्होंने स्ट्रगल की, मेहनत की, और इससे हटकर एक और चीज़ है जो कि हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, स्टोरीज कुछ पढ़ी हैं, इत्तफाक में बरकत है। जैसे ये वो लकड़ियों वाली कहानी पढ़ी है, वो बैल और शेर वाली कहानी पढ़ी है, इनका आपस में इत्तफाक है और इत्तफाक में वाकई ही बरकत है, उसमें घर वाले भी खुश, अल्लाह ताला भी खुश।